वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और अभी 8:30 बज रहे हैं रात से, क्योंकि मैं कॉलेज से आ कर सो जाता हूँ। सिर दर्द बहुत बढ़ता जा रहा है बहुत दिन से, बाहर सब है। खाना पीना हम खाया यहीं पे, ताऊ यहीं पे, सब खाना वहीं बनना है 2 दिन से। इधर इधर यहाँ लेटा है सो यार, सभी लोग तो नीचे बिजी हैं, बट मैं ऊपर आ जाऊँ यार। कल शादी तो कोट पहनना है, जब तो पहन के ऊपर के लिए पहनने पड़ेंगे। नीचे सब तो यहाँ पर है, ब्लैक है, वैसे ब्लैक अच्छा लगता है हर किसी पे, शायद किसी पे। तो गाइस मैंने पहन लिए हैं, कुछ ऐसे है रहे हैं, मतलब फिटिंग सही है, चप्पल है, बस हल्के से ढीले हैं, हल्के से, और सब सही जा रहा है मुझे। बस हल्की सी फिटिंग से और हो जाए तो और अच्छा लगता है, बट ऐसे भी अच्छे है रहे हैं। और पता नहीं मेरी आँखें देखो, आँखें नींद से उठाऊँ तो ऐसे ही हो रही हैं, और दिमाग का तो पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है मुझे। बट अच्छे है रहे हैं, ऐसा नहीं है, मतलब सूट कर रहे हैं ठीक ठाक, लोग भी सही आ रहा है। उतार देता हूँ, नीचे चलता हूँ, ऐसे दिखाता हूँ, नीचे दिखाता कैसा है, ये सब बताएँ कैसा है। हल्के ढीले हैं अभी, अरे यहाँ देखो एक पैंट की फिटिंग ढीली है, हाँ है ना। अपना अपने पहले सब जो पसंद आया, पापा जो भी, नितिन जो भी, और मेरे बाहर दोस्त थे उनको पसंद आए, तो अच्छा है। अभी तो आया हूँ वेटर, बस हाथ में प्लेट दे दो मेरे को, पार्टी लो मोमोज टिक्की। अब चलते नीचे, चलो तो मैं कोट पैंट पैक कर दिए, अब रख देता हूँ। तो जाइए इस कोट पैंट में रख दिए, थोड़ा बाहर चलते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं ब्लॉग बना नहीं पाया सुबह से, तो जब कॉलेज जाता हूँ थक जाता हूँ बहुत ज़्यादा, कॉलेज से आके फिर मैं डायरेक्ट सो जाता हूँ। तो बाहर भी आता हूँ, कैसी लाइटिंग वाइटिंग बड़ी घर में, और तबीयत ख़राब है, कल शादी भी है मेरी नहीं है, मतलब देखो अंदर तो सब सो रहे होंगे आराम से, ऐसा सोते हैं पूरा माहौल बना के। ऐसे लाइटिंग से ना इतनी अच्छी नहीं आती, और इतनी गहरी, इतनी प्यारी नहीं आती, मीठ की सी, मतलब बहुत अच्छी नहीं आती। और यहाँ से 3 और ऐसे चले, ये हमारा है, ये ताई टाल जिस शादी है, और ये गवर्नमेंट गाड़ी हड़ी यहाँ पे। तो अभी मैं अंदर आ गया, अभी टाइम देख सकते हो, टाइम कितना हो गया, 22 बज गए, यानी कि 10:30 हो रहे हैं, 10:45 हो रहे हैं। तो ये वाला दौर मैं छोटा रह रहा हूँ, क्योंकि यार अभी क्या है, मतलब दिन में टाइम मिल नहीं पा रहा मुझे, कॉलेज गया था मैं, और मेरी तबीयत ख़राब चल रही है 2-3 दिन से, सिर में इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, कभी कभी ऐसा फील होता है सिर्फ दिमाग के अंदर कुछ आ गया है, एक छोटा सा कीड़ा टाइप मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर, बट शायद ऐसा ना होता भगवान की कृपा ही है। कुछ दिन बाद सोच रहा हूँ जल्दी से वो जा रहा हूँ MRI, अभी क्या है कल शादी है, और उससे बाद 9 तारीख से मैंने सेशन आना कॉलेज में, तो उस टाइम ब्लॉग नहीं बनाऊँगा, बट ब्लॉग तब भी डेली ही आएगा, डेली आता रहेगा ब्लॉग, उसकी चिंता आप मत करो, है ना। और उसके बाद फिर मैं सोच रहा हूँ दिमाग का अपना, मतलब फिर का MRI या कुछ होता है जो भी वो करा लूँ, क्योंकि मतलब देखो वैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम इतनी है नहीं, बट प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रही है, तो सही भी नहीं है, प्रॉब्लम भी बढ़ने देना, एक बार टेस्ट करा लें उस मालूम पड़ जाए प्रॉब्लम हो तो आगे ना बढ़ पाए। तो ये मतलब लोग यहीं पर एंड कर देते हैं, थोड़ा छोटा ही रहा, एंड इसमें कोई दिखा नहीं, बस पापा और दिखा और मैं दिखा, मैंने कभी ट्राई करे, क्योंकि मैं आज उठा ही 8 बजे रात को, सुबह उठा मैं कॉलेज गया, कॉलेज से आगे सो गया, कॉलेज से आगे मेरे अंदर ताकत खत्म हो जाती, पूरी जीरो हो जाती बैटरी, एकदम जीरो, मतलब जीरो। फिर मैं सो गया, फिर मैं सो के उठा मैं 8 बजे, तब मैं काम कर पाऊँ, तो अभी भी 8 हज़ार चल रही है मेरी बट, तो अब सो रहा हूँ, बाद में पढ़ना भी है थोड़ा सा, अब लैपटॉप पर पढ़ूंगा मैं, क्योंकि कल रात वाईफाई लाइन टूट गई थी तो पढ़ नहीं पाया था, अब बैठ के पढ़ूंगा। तो चलो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने आपका, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 7:30 बजे। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।